अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं गाइज आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल मखनी। दाल मखनी के लिए मैंने दाल फुलो दी थी रात में, और अब मैं इसको धोकर खड़े मसाले वगैरह ऐड कर कर इसको भुनने के लिए रख रही हूँ। तो गाइज़ फिर इसको मैं छौंका लगा के तैयार कर लूँगी। चलिए गाइज़ बने रहिए अब मेरे साथ। गाइज़ फिर से बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। अब तो कम्मो यार, रोज रोज यही बैठे रहेंगे क्या, पार्लर नहीं जाएंगे क्या? हमारे जाने के टाइम पे बारिश होती है। अम्मू खाना निकालने आ गई है। ये देखो मैंने खाना रेडी कर दिया था, ये खाना लेने के लिए आई है। इनका ये सो के उठते भूख लग गई है, वो भूख लग रही है। तो चलो हम तैयार होते हैं, हम देखते हैं जब से बारिश रुकी जाएगी और लेते हैं क्या पहने। तो गाइज हम रेडी होके आ चुके हैं पार्लर, और पार्लर में देख आते के साथ ही क्लाइंट आ गए थे, तो करिश्मा उनका काम कर रही हैं। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल बनाया है इन्होंने इनका, और ऐसे ही काफ़ी सारे हेयर स्टाइल बनते हैं हमारे पार्लर में। कभी आप भी आइए और एक बार ट्राई करिएगा, काफ़ी अच्छा काम होता है हमारे पार्लर में। तो इंशाल्लाह एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इधर गाइस हेयर स्टाइल वगैरह सारे कंप्लीट हो चुके थे, फिर उसके बाद हमारे पास कलर आया और हम उनका कलर कर रहे हैं। और आप देखिएगा बड़ा ब्यूटीफुल कलर करूँगी मैं इनके बालों पे, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आता है इस कलर का, और गारंटी होती है 2 इयर्स की। 2 इयर्स तक मेरा कलर चलता ही चलता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है इसका। तो चलिए बने रही वीडियो में। आप देख सकते हो गाइस इनके वाले कितने ब्यूटीफुल कलर आए हैं। आप बताना मुझे कमेंट करके कि मैंने काम कैसा करा। गाइस हम आ चुके हैं घर और हम खा रहे हैं खाना, और हम न्यूज भी देख रहे हैं। न्यूज में बहुत ज्यादा वो बता रहे हैं कि कमू क्या बता रहे बाबू, तिल्ली डूबने वाली है। कैसा लगा मेरा मजाक? तिल्ली डूबने वाली है गाइस। गाइस आप हमें और हम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। देखो गाइस कितना पानी है, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे पर। भयंकर बाढ़ आई है, 1978 में दिल्ली में सबसे खतरनाक बाढ़ आई थी। कहीं मंदिर डूब रहे हैं तो कहीं मकान। विश्व ट्रॉमा सेंटर की है जहाँ गेट के सामने सड़क पर साक्षात यमुना बह। सरकार की तरफ से गाइस अपने घर का पानी भर लेना, और न्यूज में बता रहे हैं कि पानी की किल्लत आने वाली है, पानी नहीं आएगा पीने का पानी नहीं। ऐसे पानी तो बहुत मिल जाएगा। पानी रिंग रोड पर आ गया है, तो गाइस खाना खा लीजिए। देखो स्वाली कश्मीरी गेट से मखनी दाल चावल खा रही है, बंद कर दिया गया ट्रैफिक को, न्यूज देख रही है आराम से। करीब आधी दिल्ली बाढ़ की चपेट में है, और बाकी बची हुई दिल्ली बाढ़ की। टमाटर 200 रुपए किलो हो गए। रात की सुबह कैसे तरीके से काट रहे थे, जहां हालात बहुत ज्यादा खतरनाक है, हर तरफ पानी भर चुका है। जिस भी तरफ हम नजर डालते हैं राखी टू देखते हैं। गाइस मैं भी खाना खा लेती हूं, आइए आप लोग भी देख लीजिए। वो पानी नजर आएगा, 30 फुट पानी है कम से कम। गाड़ियां गुजरती है तो ऊपर कितना ट्रक ट्रक गुजरता है, ट्रक हो जाए कितना। देखो फोटो, ये देखो मैंने टच कर लिया, ये मैंने टच कर लिया। हर से दफ्तर के लिए निकले हैं, चूंकि रिंग रोड ऐसा रोड है जहां पर हर आदमी को यहां से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि तमाम ऑफिस दफ्तर इलाके हैं। सबसे पॉश इलाका बोलूंगा ये रिंग रोड का है, जहां से आप सिविल लाइन जाते हैं, राजनिवास जाते हैं, मुख्यमंत्री निवास जाते हैं, और वहां की ये तस्वीरें देखिए। तमाम जो पुलिस चौकी सिक्योरिटी के लिए यहां पर लगाए जाते हैं, अगर राजनिवास अगर आप जाते हैं तो ये वो रास्ता है राजनिवास जाने के लिए, जहां पर आ सकते हैं। छठी तस्वीर यमुना बाजार इलाके की है, जहां पानी घुस चुका है, और यमुना बाजार के करीब कई मंदिर पानी में डूब चुके हैं, मंदिरों के अंदर पानी घुस चुका है। लोग यहां पर मंदिरों से पानी निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं, साथ ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तो देखा गाइस आपने यहाँ पे कितना सारा पानी आया हुआ है, तो हम मुझे इस चीज़ का भी डर है कि हमारी तरफ पानी ना आए। बस अल्लाह से दुआ कर रही हूँ मैं, और जितना पानी आया हुआ है सब कम हो जाए, और सब जो इंसान परेशान हो रहे हैं सब ठीक रहे, सबकी परेशानी अल्लाह ताला दूर करे। और बस आज के लिए बस इतना ही गाइस, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।